पसीना से मालिश कर रहे हैं, चमका रहे हैं एकदम बढ़िया से, मोदी जी के जैसे। शाहजी बोले हैं, बिहारी का पसीना से महक आते हैं खुशबू, पर ललिता को बदबू आते हैं। पर शाहजी बोले हैं तो झूठ थोड़े ही बोले होंगे। और ऐसे ही नहीं बोले हैं, रैली में बोले हैं, वर्चुअल रैली में। हम पूछे संतोष से, हम पूछे कि रैली तो सुने थे, ये वर्चुअल रैली कहाँ होते हैं? तो संतोष बताए, संतोष बताए हमको, वर्चुअल के मतलब होते हैं, मतलब जो सच्ची मुच्ची में नहीं होते हैं, मतलब हवा हवाई जैसे मोदी जी के भाषण होते हैं। हम तो फोन काट दिए एकदम ससुर संतोष के, और संतोष के जैसे सब लोग भी बहुत कुछ बोल रहा है, सब एंटी नेशनल लोग बोल रहा है, कोरोना के टाइम पे राजनीति कर रहे हैं शाहजी। राजनीति का तो एक शब्द भी नहीं बोले हैं, बस यही बोले हैं कि वो दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे बिहार में। राजनीति पे कहाँ बोले हैं? और वो सर्जिकल स्ट्राइक और वो सब बात गिनाए हैं, राजनीति का शब्द भी नहीं बोले हैं। और सिर्फ वो बोले हैं वो बिहार इलेक्शन में हमें वोट देना है। राजनीति पे कहाँ बोले? राजनीति तो दिमाग में भी नहीं आता है शाहजी के, देश सेवा रहता है 24 घंटे दिमाग में, ये सब लोग को नहीं दिखता है। दिखता नहीं है कि एकदम चाणक्य है, सेम टू सेम, बस चुटिया के फर्क हैं थोड़े से, सब नहीं दिखता इस सब एंटी नेशनल लोग को। सब पता है काहे बोल रहा है सब लोग इतना, वो लॉकडाउन के वजह से मॉर्निंग वॉक बंद हो गए ना सबके, इसलिए बोल रहा है इतना। बोल रहा है 2 महीना से तो गायब थे, अब एकदम से रैली करने को एकदम प्रकट हो गए, और कोरोना पे तो इतना जोश नहीं दिखाया जितना रैली में दिखा दिए। रैली नहीं किए हैं शाहजी, तो यही देख रहे थे वो सब गरीब मजदूर ठीक ठाक अपने घर पहुँच गए कि नहीं पहुँचा है। और अभी तो देखना ये सब गरीब के घर पर लंच भी करेंगे शाहजी, वो डिनर इलेक्शन का टाइम आने दो, देखो कैसा बढ़िया करेंगे। इतना फिक्र रहता है ये सब के लिए किए रैली, और वो भी वर्चुअल। ये गरीब गुरबा देखे थे कभी वर्चुअल रैली? और ये सब टुकड़ा टुकड़ा गैंग का बोल रहा है, ये जो वर्चुअल रैली पे इतना खर्चा किए हैं वो सब गरीब मजदूर पे कहीं नहीं कर दिए, और गरीब मजदूर मर रहा है, ये लोग रैली कर रहा है। रैली नहीं किए हैं शाहजी, देखने कितना टेंशन में बैठा था गरीब मजदूर, वो थोड़ा मनोरंजन कर दिए शाहजी वर्चुअल करके, तो कोनो पाप कर दिए? एलईडी स्क्रीन, एलईडी दिखा दिए गरीब मजदूर को, नहीं तो वही सब पुराना टीवी देख रहा था सब। इस पे भी हल्ला मचा रहा है, कितना करोड़ फूंक दो, 144 करोड़ फूंक दिए, 144 करोड़ फूंक, हम लोग के लिए फूंके हैं गरीब लोग के लिए? इतना तो अपने बिटवा का भी ख्याल नहीं करते शाहजी जितना हम लोग का करते हैं गरीब लोग का। देखे वो कैसे तैसे अपना वो बीसीसीआई में पार्ट टाइम जॉब करके वो कैसे अपना काम चला रहा है, हमको सेट किए हैं उसको छोड़ के एकदम। और मोदी जी भी कितना पैसा डाल दिए हमारे अकाउंट में, देखे शाहजी बताए वर्चुअल रैली में कितना पैसा डाले हमारे अकाउंट में, हम तो ब्याज बट्टा पे उठाएंगे सब पैसा और आराम से बैठ के खाएंगे एकदम से। थोड़ा गिल्टी गिल्टी फील हो रहा है हमको कि सारा पैसा हमको दे दिए मोदी जी, अब अपना कैसे खर्चा चलाएंगे। और इसका तारीफ तो किया नहीं, उल्टा कहा बोल रहा है, बोल रहा है पूरे दुनिया को तो आत्मनिर्भर बना दिए मोदी जी, खुद कहे नहीं बने, नीतीश का उंगली पकड़ के कहे चल रहे हैं बिहार में। वो तो इस वजह से कि वो DNA एकदम ठीक हो गए, नीतीश के रिपोर्ट एकदम बढ़िया आए हैं, और नीतीश के संगे मोदी जी के ही प्रोग्राम थे वर्चुअल रैली के शुरू में, वो तो बाद में कैंसिल कर दिए। वो कहा कि एक ठो रोड शो भी लगते हैं मोदी जी को, अकेले रैली में मजा नहीं आते हैं, एक रोड शो तो अपने घर के अंदर अंदर भी कर दिए लॉकडाउन में मोदी जी। वो जब फ्रेश होने जा रहे थे ना भरे भरे, संतोष बताए रहे हमको, सब नौकर लोग चिल्लाते रहो मोदी मोदी। वो कहा कि ना जब तक वो मोदी मोदी का आवाज़ नहीं सुन लेते ना तो अच्छे से फ्रेश नहीं होते हैं, वो आदत पड़ गए हैं, और हमको भी वो अपने आदत याद आ गए, हम भी ऐसे और पसीना भी आ गए हैं फिर से वो, और महक भी आ रहा है। ललिता को सुनाते हैं, आप जरूर पक्का महक आएगा ललिता।